गुरुग्राम नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर नरहरि सिंह बांगड़ ने आज अपना ऑफिस ज्वाइन किया। नगर निगम कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि अब शहर की सफाई व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, तो उस पर पार पाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाएगा, जिससे शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। इसके अलावा लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण को लेकर भी निगम कमिश्नर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अवैध निर्माण पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं या लापरवाही की शिकायतें हैं, उन पर भी निष्पक्ष तरीके से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। बारिश के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि उसको लेकर बड़े स्तर पर कदम उठाया जाएगा और कई तकनीकी तौर पर काम किए जाएंगे, जिससे कि इस बार जल भराव न हो। बनाएंगे तो उतना ही अच्छा हो जाता है। हमने सिस्टम को दुरुस्त करना होता है। आदमी को तो कितना दुरुस्त कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, समय की बात होती है, मगर सिस्टम को दुरुस्त करना होता है तो सिस्टम में जहाँ खामियां होंगी, जहाँ शॉर्ट कमिंग्स होंगी, उन गैप्स को भरेंगे लगातार। ये जो नालियों की सफाई है, सीएनडी वेस्ट का डिस्पोजल है, बंदवाड़ी में हमारे जो सॉलिड वेस्ट गार्बेज है उसका है, एक सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के ऊपर है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन सब से हटकर हमारा सिविक एमिनिटीज जितनी भी होती है, जो आम नागरिक के लिए सुविधाएं देने की बात है, चाहे वो रिक्रिएशन सेंटर की बात है, आर्ट एंड कल्चर की बात है, चाहे वो पार्क्स की बात है, उसके ऊपर भी एक विशेष ध्यान दिया जाएगा सर लगातार।